हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग मैंने काम से शुरू किया है और आज है 13 दिसंबर। आज मेरे भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी है। आज उनकी 4th मैरिज एनिवर्सरी है और हम लोग नहीं गए हैं। हम पिछले साल भी नहीं गए थे मैरिज एनिवर्सरी में। हम बस 2 मैरिज एनिवर्सरी ही अटेंड कर पाए हैं, 1st और 2nd। 3rd में नहीं गए और अब की बार उनकी 4th मैरिज एनिवर्सरी है, नहीं गए हम। क्योंकि हम अभी थोड़े दिन पहले ही अपने घर मिल के आए हैं, तो अब की बार हमने उनको फ़ोन से ही विश कर दिया है, हम नहीं जा पाए हैं। और आज मेरे भाई का हैप्पी बर्थडे भी है और उसकी शादी की मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो मैं अपनी वीडियो में अपने भैया और भाभी को विश करना चाहती हूँ, उन्हें बधाई देना चाहती हूँ मैरिज एनिवर्सरी के लिए। हेलो गाइस, मैं अपने पापा के साथ गया था जूते लेने सर्दियों के लिए। देखिए मेरे जूते, बताना आपको मेरे जूते कैसे लगे। इनकी कंपनी है एब्रोस, अगर किसी को लेने हो तो ले सकते हैं। बाय बाय। भी देखिए कहाँ से आई काना की चाबी। मेरे पापा लाए थे। किस चीज की चाबी है? दुकान की। काना आपके सूज आ गए? ना दोस्तों, काना के सूज अभी नहीं आए हैं, इसलिए आपको बता रहा है मेरे सूज नहीं आए हैं दोस्तों। मेरे पास देखो कोई भी जूता नहीं है, सॉक्स पहनी हुई है काना ने। काना के जूते अब आएंगे। काना के पास जूते हैं, 2-3 जोड़ी जूते रखे हुए हैं काना के पास। लाइक एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय। हेलो गाइस, देखिए मेरे जूते। तली हेलो गाइस, मेरे अब भी देखिए ये इसके जूते। ये बहुत जिद कर रहा था मुझे भी अपने जूते दिखाने, जो किसने अपने पहले जूते दिखा दिए थे। लेकिन ये बहुत जिद कर रहा था, इसलिए हम इसके जूते दोबारा दिखा रहे हैं। प्लीज लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय। तो फ्रेंड्स, अब शाम का टाइम है और बच्चों को कुछ स्पेशल खाना है। तो बच्चों ने बनवाए हैं टोस्ट, तो आलू की पिट्ठियाँ बनाकर हमने भून ली है। वो क्लिप मैं नहीं बना पाई, बनी भी है तो मैंने डाली नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती। तो हम बना रहे हैं टोस्टर में टोस्ट। और बच्चों ने शाम को कहा कि हम कहीं पर भी नहीं गए हैं, मम्मी आप कुछ स्पेशल बनाओ, आज ब्रेड मंगा कर टोस्ट बनाओ। तो हमने टोस्ट बनाने की पूरी तैयारी कर ली है और हम टोस्ट बना रहे हैं। हमारा टोस्टर उषा कंपनी का है और इसमें बहुत अच्छे टोस्ट सिक जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हमने बहुत सारे टोस्ट बनाए थे और सभी को, फैमिली में सभी ने खाए हैं। चाय और टोस्ट की पार्टी हुई है आज शाम को, क्योंकि बच्चों की फरमाइश होती है कभी फ्रेंच फ्राई कभी टोस्ट। और अब बच्चों का मन चाप को कर रहा है, तो चाप तो बाज़ार से ही आएगी। और हमारे टोस्ट सभी बच्चों ने खा लिए हैं और काना बैठकर खा रहा है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है। बाय बाय।